दोस्तों, बीच में मेरी डॉटर्स ने मुझसे पूछा कि आपको डॉटर्स चाहिए थी या सन चाहिए था, गर्ल चाहिए था या बॉय चाहिए था। डॉटर्स के साथ में आप ज़्यादा इन्जॉय करते हो कि बॉय के साथ में ज़्यादा इन्जॉय करते हो? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है ये हर सभी के लिए, लेकिन मेरे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये नहीं है। मैंने उनसे ये कहा कि आई वुड लव टू हैव अ डॉटर्स रदर देन अ सन या बॉय। बींग विद डॉटर इज लाइक बींग विद नेचर, ये मेरा मानना है। और ऐसा क्यों, इस बारे में मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करूँगा, डिस्कस करूँगा कि ऐसा मैं क्यों सोचता हूँ। दोस्तों, फीमेल जो होती है और जो मेल होते हैं, उन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है, जेनेटिकली डिफरेंस होता है। मेल जो होता है उसका लेफ्ट माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। हर इंसान में दो प्रकार के माइंड होते हैं, एक लेफ्ट माइंड एक राइट माइंड। लेफ्ट माइंड और राइट माइंड, जो आदमी होता है, पुरुष होता है, उसका लेफ्ट माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है कंपेयर टू द राइट माइंड। और लेफ्ट माइंड जो होता है वो राइट हैंड से कनेक्टेड होता है, और राइट माइंड जो होता है वो लेफ्ट हैंड से कनेक्ट होता है। पुरुष का जो दिमाग है वो लेफ्ट माइंड ज़्यादा होता है, उसका लेफ्ट माइंड का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है। ये एक बात अलग है कि कुछ लोगों का राइट माइंड भी ज़्यादा होगा, उस बारे में मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ों में कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो पुरुष का, अधिकतर पुरुष जो होते हैं वो लेफ्ट माइंडेड होते हैं मैक्सिमम, और उनका राइट हैंड से वो कनेक्ट होता है। लेफ्ट माइंडेड पीपल, लोग दिमाग से बहुत शातिर होते हैं। लेफ्ट माइंड का ज़्यादा होना इसका मतलब ये है कि ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, ज़्यादा लॉजिकल होना, ज़्यादा डिबेट कर सकना, लोगों को बेवकूफ बना के पैसे कमा सकना, पैसे कमाना, पैसे कमाने की भूख का ज़्यादा होना, और इमोशनल बहुत कम होना, लेफ्ट माइंड का ज़्यादा होने का मतलब ये है। जब कोई छोटा बच्चा भी लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करता है, इसका मतलब उसका राइट माइंड ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो बचपन में ही उसे ये कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड से मत लिखा करो, राइट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल करो, ताकि राइट हैंड के ज़्यादा इस्तेमाल करने से तुम्हारा लेफ्ट माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा। लेफ्ट माइंड अगर ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो तुम ज़्यादा होशियार बन सकते हो, पैसे कमा सकते हो, कम इमोशनल होगे, लॉजिकल ज़्यादा हो जाओगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे। तो अधिकांश पुरुष जो होते हैं वो लेफ्ट माइंडेड होते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा डिबेटेबल रहते हैं। इसके उल्टे जो महिलाएं होती है, लेडीज होती है, उनका राइट माइंड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है लेफ्ट माइंड के कंपेयर में। राइट माइंड जो होता है वो लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड होता है। दोस्तों, राइट माइंड का ज़्यादा होना, उसके प्रतिशत का ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि यू आर मोर इमोशनल्स। औरतें जो होती है, वुमेन्स जो होती है, वो ज़्यादा इमोशनल होती है। ज़्यादा इमोशन का होने का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ में वो लॉजिकल बहुत कम होती है। हो सकता है कि स्त्रियाँ, लेडीज़ आपसे लॉजिकल डिबेट कम करें। डिबेट में आप आदमी उसको जीत सकते हो, औरतें डिबेट में आपसे जीत नहीं सकती है बात करने में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेवकूफ़ है। राइट माइंड का ज़्यादा होना इसका मतलब ये होता है कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से समझना। औरतों का जो दिमाग होता है, उनका जो मन होता है, वो समुंदर से भी ज़्यादा गहराई में होता है। आज तक कोई समुंदर की गहराई माप नहीं सका, और मैं ये कह रहा हूँ कि समुंदर से भी ज़्यादा गहराई होता है। अंतरिक्ष, आकाश, स्पेस की गहराई आज तक कोई माप नहीं सका। औरतों का मन बिल्कुल समुंदर की गहराई से भी ज़्यादा और अंतरिक्ष सा होता है, जिसे कोई पढ़ नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि औरतें जिस चीज़ को जितना गहराई में महसूस करती है, दुनिया का कोई भी पुरुष उस चीज़ को इतने गहराई में समझ ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। आदमी जो होता है वो लॉजिकल चलता है, बिजनेस माइंडेड होता है, और औरत जो होती है वो इमोशंस पे चलती है, महसूस ज़्यादा करती है लेकिन डिबेट नहीं कर सकती है। यही एक वजह है कि औरतें जो है बहुत ही ज़्यादा
अपने पति को, पत्नी अपने पति को, अपनी बहन को, ननद को, देवरानी को, जेठानी को, सास को, ससुर को, सबको संभालती है, बिकॉज वो इमोशंस से चलती है, सेक्रीफाइस करती है। पर हमने उसे हमेशा अपना एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया, हम पुरुषों ने औरतों को हमेशा अपनी प्रॉपर्टी की तरह यूज़ किया है, हमेशा हमने उस पर अपना एक अधिकार जताया है, हमने हमें हमेशा उनको गलत साबित किया, लॉजिकल डिबेट करके उनको कहा कि तुम गलत हो, ये बात गलत है। इमोशनल माइंड का होना मतलब एक कविता को जन्म देना, इमोशनल माइंड का होना मतलब परमात्मा से और ज़्यादा नज़दीक पहुँचना। दोस्तों, लॉजिकल माइंड से आप कभी परमात्मा तक पहुँच ही नहीं सकते हो, और यकीन मानो दोस्तों, लॉजिकल माइंड हमेशा सही और रॉन्ग में फंस जाता है, हमेशा अपना प्रॉफिट देखता है, स्वार्थ देखता है, लेकिन जो इमोशनल माइंड होता है वो अपना स्वार्थ नहीं देखता है, वो महसूस करता है, महसूस करके उस पर बिलीव करता है, और वही उस तरीके का स्वभाव ही अगर आप मेडिटेशन में डाल दो तो इमोशनल माइंड जो है वो जल्दी ही परमात्मा तक पहुँच सकता है कंपेयर टू लॉजिकल माइंड के। तो दोस्तों, मैं आपसे आज के यही कहूँगा कि कभी को वुमेंस को अपनी प्रॉपर्टी मत समझिए, उसको दबाइए मत, उसको नीचे मत बताइए। जब कभी भी कोई ऐसी सर्कमटेंसेज आते हैं, कुछ सर्कमटेंसेज ऐसे होते भी है जहाँ तक मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि जब आदमी की कोई गलती होती है तो औरत बेचारी उसको लेके चलती है, समझती है, उसको अंडरस्टैंड करती है, उसको स्पेस देती है, लेकिन वही गलती जब औरत करती है तो आदमी उसको सहन नहीं कर पाता, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड से चलता है, डिबेट करता है, उसको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है, उसको नीचे झुकाता है, उसको दबाता है, उसके इमोशंस को तोड़ने की कोशिश करता है। दोस्तों, कभी भी किसी भी औरत को नीचे मत गिराइए। अगर औरत के साथ में आपको प्रेम करना है तो उसको लॉजिकली मत समझिए। औरत को समझना आपके लिए तो छोड़िए, किसी भी पुरुष के लिए छोड़िए, दुनिया के किसी पुरुष को भी छोड़िए, देवताओं के लिए, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए भी नामुमकिन सी चीज़ है, क्योंकि औरतें इतनी गहराई में होती है कि इसे ईश्वर भी नहीं समझ सकता, और ईश्वर ने भी कहा है कि औरतों को समझना बहुत ही नामुमकिन है। तो आपकी और मेरी क्या हैसियत, औरतों को समझिए मत, औरतों को सिर्फ प्रेम कीजिए। औरतों को समझने जाओगे तो आपकी वो कोई हैसियत ही नहीं कि आप इतनी गहराई में जाके उसको समझ सकते हो। दे आर मच मोर बेटर देन ऑल मेल्स। तो उसको समझने की कोशिश मत कीजिए, उसको सिर्फ प्यार कीजिए, और इसी में खुशी है, इसी में सुख है। दोस्तों, औरत और आदमी जेनेटिकली बहुत ही डिफरेंस है, इनमें बहुत ही भेद है। नेगेटिव और पॉजिटिव में ही मज़ा है। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाए कि तो भी मज़ा नहीं, और पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए तो भी मज़ा नहीं। दोनों एक दूसरे की यूनिकनेस को स्पेस दीजिए। फिर कहूँगा कि आदमी को औरत को समझना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, प्यार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समझना नामुमकिन है। इसलिए कभी भी औरत को जज मत कीजिए। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और मैं यही कहूँगा कि आप वुमेंस को बहुत बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, बहुत इज्जत कीजिए। आपकी भले वो वाइफ हो, बेटियाँ हों, माँ हों, बहन हो, या आपकी गर्लफ्रेंड हो, कभी उनको जज करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। दोस्तों, तो आज मैं इतना ही कहूँगा कि इमोशंस का होना मतलब परमात्मा के करीब होना, इमोशंस का होना मतलब एक कविता को जन्म देना, लॉजिकल होना मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, पैसे कमाना, और इमोशंस से दूर होना, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, तो इतना ही कहूँगा दोस्तों कि बस इमोशंस को समझिए, इमोशंस के करीब जाइए, बिकॉज नेचर को भी अगर आपको फील करना है तो आपको लॉजिकल माइंड की ज़रूरत नहीं होती है। स्वयं के अंदर भी खुश होना है तो लॉजिकल माइंड कोई काम का नहीं है। स्वयं के अंदर भीतर अगर आपको जाना है तो आपको इमोशंस पैदा करना होगा। जब आप इमोशंस पैदा करोगे तो आप स्वयं को समझोगे तो आप स्वयं के भीतर जाओगे, और जितना आप स्वयं के भीतर जाओगे ना दोस्तों, उतना ही आप परमात्मा के भीतर जाओगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप वुमेंस को रिस्पेक्ट कीजिए, उनको डोमिनेट मत कीजिए, उनको स्पेस दीजिए, उनको समझने की कोशिश गलती से भी मत कीजिए, और उनको बहुत 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 ज़्यादा प्यार कीजिए। दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं मेल चाइल्ड के खिलाफ और फीमेल के ज़्यादा फेवर में हूँ,
इट्स ऑल अबाउट यूनिकनेस ऑफ बोथ ऑफ देम. मेल अपने आप में बहुत यूनिक है और वुमन अपने आप में बहुत यूनिक है. और जब यूनिकनेस होती है दो अलग अलग पर्सनैलिटियों में, उसी घटना में प्यार हो सकता है. यूनिकनेस में ही प्यार हो सकता है. सिमिलरिटी में प्यार होना बहुत मुश्किल है. जब एक मेल अलग व्यक्तित्व का इंसान और फीमेल अलग व्यक्तित्व के इंसान है, तभी प्यार जैसी सुखद घटना भी हो सकती है. एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से, ऐसा नहीं कि मैं मेल चाइल्ड के खिलाफ हूँ, प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिए. मैं ऐसा नहीं कि मैं फीमेल के ज़्यादा फेवर में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेल्स को समझाना चाहता हूँ कि आप औरत को अपनी प्रॉपर्टी मत समझिए, अपना असेट मत समझिए, उसको समझने की कोशिश मत कीजिए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए. एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक बार एक आदमी ने एक औरत से पूछा कि why has God made you woman so beautiful. तो उस औरत ने ये कहा, so that all man can fall in love with woman. आदमी ने फिर पूछा, then why did he make you woman so stupid. तो उस औरत ने ये जवाब दिया, so that we can also fall in love with you. मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत ही अच्छा जवाब दे दिया है. और जो लोग नहीं समझे, इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड कर लीजिए, फिर प्ले कीजिए, फिर रिवाइंड कीजिए, फिर एक बार प्ले कीजिए. बिकॉज प्यार करने के लिए लॉजिकल माइंड की ज़रूरत नहीं होती है, प्यार करने के लिए महसूस करने की ज़रूरत होती है. और महसूस करने की जो क्षमता है वो पुरुषों की तुलना में वुमेंस में ज़्यादा होती है. दोस्तों फिर एक बार इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहूँगा कि वुमेंस को बहुत रिस्पेक्ट दीजिए, उनको समझने की भूल की भी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि भगवान भी उसमें फेल हो चुके हैं. तो आप उसमें क्यों सक्सेस होने की ट्राई कर रहे हो? आप सिर्फ उन्हें प्यार कीजिए, इतना ही काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच.